हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडिया के हालात हैं उन हालातों को सही करने के लिए शाहरुख खान के कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके डोनेशंस के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कोमल लाहटा ऑफिशियल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं इंडिया जैसे कि बाकी दुनिया की कंट्रीज हैं बहुत बुरे हालातों से गुजर रही है एंड द गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स बेस्ट टू फाइट। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और सारे सेलिब्रिटीज, सारे टॉप्स, सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडिया के इस जंग में। तो शाहरुख खान साहब ने क्या किया है, बहुत सी चीजें की है और अगर आपको मैं इस वीडियो के जरिए बताऊं कि वो क्या क्या कर रहे हैं, आपका भी दिल भर आएगा एंड आपको उन पर फक्र होगा। शाहरुख खान ने केवल एक जगह कंट्रीब्यूशन दिया या दो जगह कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड। उस पीएम केयर्स फंड में कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि शाहरुख खान, गौरी खान, जूही चावला और उनके हस्बैंड जय मेहता की कंपनी है, वहां से पीएम केयर्स फंड को एक लंबा चौड़ा तगड़ा कंट्रीब्यूशन जाने वाला है या अब तक जा चुका होगा। सिमिलरली रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जो शाहरुख खान और गौरी खान, उनकी धर्मपत्नी गौरी खान की कंपनी है, वहां से चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को एक भारी रकम जाने वाली है या जा चुकी होगी। चीफ मिनिस्टर यानी महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। शाहरुख खान का एक फाउंडेशन है मीर फाउंडेशन, जो एसिड अटैक विक्टिम्स और बर्न्स सर्वाइवर्स की सहायता करता है एंड विमेन एम्पावरमेंट का खूब सारा काम करता है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और मीर फाउंडेशन ने यह भी तय किया है कि वो 5,000 पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स गवर्नमेंट को देंगे। दैट्स अ लॉडेबल मूव। मीर फाउंडेशन ने यह भी तय किया है कि एक साथ, एक फाउंडेशन है एक साथ, उनके साथ मिलकर वो 5,000 फैमिलीज, एक्चुअली 5,500 फैमिलीज को एक महीने के लिए खाना प्रोवाइड करेगी एंड 2,000 हाउसहोल्ड्स एंड हॉस्पिटल्स के स्टाफ को फ्रेशली कुक्ड मील्स एक महीने तक प्रोवाइड करेगी। इसी मीर फाउंडेशन ने यह भी तय किया है कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महाराष्ट्र मिस्टर डी शिवानंदन के रोटी फाउंडेशन के साथ मिलकर ये करीब 3,00,000 मील किट्स महाराष्ट्र में डेली वेज वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करेगी ऑन एन एवरेज 10,000 मील किट्स पर डे फॉर 1 month। अगेन अ फैंटास्टिक मूव। शायद इस वजह से, क्योंकि शाहरुख खान दिल्ली से है, उनके मीर फाउंडेशन ने यह भी तय किया है कि वर्किंग पीपल्स चार्टर के साथ मिलकर मीर फाउंडेशन करीब 2,500 डेली वेज अर्नर्स को essential items and grocery items एक महीने तक प्रोवाइड करेंगे एंड दीज 2,500 डेली वेज वर्कर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं, कर दिए जा चुके हैं इन दिल्ली। मीर फाउंडेशन जो एसिड अटैक विक्टिम्स और बर्न विक्टिम्स के लिए ही बना है, तो मीर फाउंडेशन ने यह भी तय किया है कि करीब 100 एसिड अटैक सर्वाइवर्स को डेली स्टाइपेंड दी जाएगी सो दैट दे कैन टेक केयर ऑफ देयर बेसिक नीड्स ड्यूरिंग दीज डिफिकल्ट टाइम्स। और ये एसिड अटैक सर्वाइवर्स दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और वेस्ट बंगाल के होंगे। तो है ना लाजवाब मूव बाय शाहरुख खान। कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि शाहरुख खान चुप क्यों बैठे हैं, वो कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, और अब जब शाहरुख खान क्या क्या कर रहे हैं पता चला है तो सारे लोगों की बोलती बंद हो गई है। जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी बोलती तो बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि शाहरुख खान सही मायनों में सुपरस्टार है, स्क्रीन पर भी और रियल लाइफ में भी। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो जहां पर हमने शाहरुख खान के चैरिटेबल मूव्स के बारे में बातें की कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा एंड यस, अपने आप की और अपने फैमिली की देखभाल बहुत अच्छे से कीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू, शुक्रिया।